हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर फर्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, इंग्लिश मीडियम में। जो टॉपिक अपन चला रखे थे बुलियन एलजब्रा के लिए, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम वगैरह अपन किए थे। आज अपने पास में टॉपिक है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। आज जो अपने पास टॉपिक है उसका नाम है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको अपन बोलते हैं DNF, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, इससे पहले लास्ट लेक्चर में लैटिस से रिलेटेड एक थ्योरम ओपन किए थे कि जो लैटिस होता है वो आपका इसमें क्या होता है, बूलीय बीजगणित है, तो वो लैटिस के लिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा। ये थ्योरम ओपन किए थे। अच्छा, उसमें एक थ्योरम और बची हुई है, उस थ्योरम को पहले कर लेते हैं, फिर उस थ्योरम के बाद में देन चलेंगे अपन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन उससे पहले अपने वो देखना पड़ेगा, बूलियन वेरिएबल की डेफिनेशन देखेंगे कि बूलियन वेरिएबल क्या है, बूलियन वेरिएबल के बाद फिर अपन देखेंगे लिटरल की डेफिनेशन कि लिटरल क्या है, देन अपन चलेंगे बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ, फिर चलेंगे अपन मिनटर्म के अंदर, फिर मैक्सटर्म के अंदर, और देन बनेगा वो DNF का फॉर्म लेगा वो, और देन लेगा एक CNF का फॉर्म। इस एक्सरसाइज के अंदर 9.2 की अगर बात करें अपन बूलियन अलजेब्रा वाले चैप्टर के अंदर, तो 9.2 के अंदर केवल और केवल दो ही फॉर्म है, एक तो है DNF फॉर्म और एक है CNF फॉर्म। एक है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और एक है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, बस दो ही टाइप के क्वेश्चन ही है। लेकिन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचने के लिए कुछ अपने को डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक थ्योरम अपने पास में रहा हुआ था लैटिस से रिलेटेड, उस थ्योरम को ओपन कर लेते हैं पहले, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो थ्योरम क्या थी हमारे पास में, एवरी कॉम्प्लीमेंटेड एवरी कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस देन determines a boolean algebra ये भी पता है। एक बार और देख लो, लैटिस वाले पार्ट भी अपन गए थे, ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं देखे लैटिस वाले पार्ट को, क्योंकि अपने पास चैप्टर जो है वो बूलियन अलजेब्रा का, बस लैटिस का इतना ही काम है कि जो पहले अपन एडिशन जो करते थे और जो अपन डॉट करते थे उनको अपन इनसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, जिसको अपन यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में भी अपन जानते थे, एक का नाम है कंजक्टिव और एक का नाम है डिसजंक्टिव, ठीक है। क्या दिखाना है थ्योरम को, स्टेटमेंट समझो पहले, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर स्टेटमेंट पता चल जाएगा ना तो थ्योरम बहुत ही आसान बन जाता है। अब ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपके पास में एवरी कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, अब जो लैटिस है वो लैटिस कौन कौन सी प्रॉपर्टी दे दिया, एक दे दिया कॉम्प्लीमेंशन और एक दे दिया डिस्ट्रीब्यूटिव, देन लैटिस ये डिफाइन भी देखो दे रखा है, डिटरमाइन ए बूलियन एलजेब्रा, ये डिटरमाइन करता है बूलियन एलजेब्रा को। अब बूलियन एलजेब्रा डिटरमाइन करेगा तो बूलियन एलजेब्रा की जो चार प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए।
अब बूलियन अलजेब्रा की चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास में कम्यूटेटिव लो। बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं क्योंकि अपने को डिटरमाइन करवाना है क्या, बूलियन अलजेब्रा, कम्यूटेटिव लो, देन फिर देखे थे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव, देन देखे थे अपन क्या आइडेंटिटी, और एक अपन देखे थे क्या कॉम्प्लीमेंशन। और इससे जो लास्ट थ्योरम किए थे अपन उसमें यही किए थे अपन कि बूलियन अलजेब्रा जो है, बूलियन अलजेब्रा कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। बूलियन अलजेब्रा जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, यानी बूलियन अलजेब्रा को क्या क्या दिखाए थे, कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये दोनों प्रॉपर्टी अपन दिखाए थे इससे लास्ट थ्योरम में। यानी अपने को दो प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है, आ जाओ प्रूफ पे, बहुत ही आसान काम है और है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ रखा है इसको, ये थ्योरम देख लो इतना इंपॉर्टेंट है। फिफ्टीन में, एट्टीन में कई बार पूछ रखा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये थ्योरम, ठीक है, आ जाओ इसके प्रूफ पे। प्रूफ, गिवन दैट कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, इट मीन्स एल कंजक्टिव डिसजंक्टिव कॉम्प्लीमेंट जीरो और वन। अच्छा ये तो पता है ना कि बुलियन अलजेब्रा का तो जीरो और वन क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट, कि मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है वन, और एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो होता है जीरो। बट लैटिस में ऐसा नहीं होता है, लैटिस में क्या होता है कि लैटिस का जो सुप्रीमम होता है, लैटिस का जो लैटिस में दो ही देता है, तो सुप्रीमम देगा या इन्फीमम देगा, सुप्रीमम जो होता है लैटिस का होता है वन और इन्फीमम जो होता है वो होता है जीरो, काम वही करता है अभी भी, ठीक है। दिखाना है बूलियन अलजेब्रा, हमें जो दिखाना है इसके लिए वो क्या दिखाना है, बूलियन अलजेब्रा। दो प्रॉपर्टी तो दे ही रखा है, दो प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है नहीं, स्टार्टिंग से ले लेते हैं। सबसे पहले एल वन, कम्यूटेटिव लो, इसके लिए लैटिस के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो लैटिस भी कम्यूटेटिव लो को फॉलो करता है क्योंकि एक रिलेशन आपके पास में दिया हुआ है ही, रिलेशन तो दिया हुआ है ही ना, तो इस रिलेशन का अकॉर्डिंग क्या है कि लैटिस जो है वो कम्यूटेटिव लो को भी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लो क्या है, इसके दो पार्ट्स थे, एक पार्ट तो आपस में ये था कि ए बी या बी कंजक्टिव ए, सेकेंड पार्ट इसके लिए ए डिसजंक्टिव बी, बी डिसजंक्टिव ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू लैटिस, ठीक है। एल टू की बात करें अपन तो कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव ये तो है ही, गिवन ही है। एल टू गिवन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फर्स्ट पार्ट ए सेकेंड पार्ट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू लैटिस, ये अपन प्रूफ किए थे, इसको प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है सेकेंड वाले पार्ट को, क्यों, क्योंकि अपने ये दिखाए थे लास्ट थ्योरम के अंदर
कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव बूलियन अलजेब्रा है तो बूलियन अलजेब्रा से क्या बनाए थे, कॉम्प्लीमेंशन लॉ बनाए थे। और कैसे बनाए थे, बस रिप्लेस कर दिए थे कि प्लस को रिप्लेस कर दिए थे इससे और डॉट को मल्टीप्लीकेशन में रिप्लेस कर दिए थे इस वाले से, कंजक्टिव से एक को, एक को डिसजंक्टिव से, जिसको अपन मैथमेटिक्स में फर्स्ट वाले चैप्टर की बात करें तो अपन यूनियन इंटरसेक्शन के नाम से भी जानते थे, ठीक है। इसको प्रूफ करने की अपने जरूरत है नहीं। L3 ये भी गिवन है आपके पास में, कॉम्प्लीमेंशन कॉम्प्लीमेंशन ए फॉर ऑल ए ए डैश बिलोंग्स टू लैटिस, हेयर वन इज सुप्रीमम एंड जीरो इज इन्फिमम। L4 वाली प्रॉपर्टी देखो, ये अपने को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, अपने को बूलियन अलजेब्रा में डालना है, तो बूलियन अलजेब्रा में चारों प्रॉपर्टी फिर से होनी चाहिए, लेकिन वो होनी चाहिए प्लस और डॉट के लिए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, फर्स्ट पार्ट A for all A belongs to lattice, देख लो इसको यहां तक देख लो एक बार, वही सारे प्रॉपर्टी को अपन लिखे हैं बस एक बार। अब इसके प्रूफ की तरफ चलेंगे, ठीक है। वी रिप्लेसिंग कंजक्टिव एंड डिस्जंक्टिव टू प्लस एंड डॉट इन L1 एंड L4, क्योंकि L2 और L3 में अपने को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गिवन है एक तरीके से, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करें हमने किस में, L1 में एंड L4 में। देन वी गेट then we get B1 commutative law first part A replace कर रहे अपन plus से B plus A, और इसी का second part A dot B equals to B dot A for all A B belongs to Boolean algebra। काम कुछ भी नहीं, बस रिप्लेस करना है, जहाँ पे आ जाए Boolean algebra दिखाना है वहाँ पे प्लस डॉट काम में लेना है, जहाँ पे लैटिस पता चलेगी लैटिस प्रूफ करना है, तो लैटिस के लिए हमेशा डिसजंक्टिव और कंजक्टिव को काम में लेना है हमें। ठीक है, सेकंड वाले में पुट कर देते हैं,
कि सेकेंड वाले में प्रूफ करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये भी देख लो। एंड लिख सकते हो L2 एंड L3 आर ऑल्सो B2 एंड B3 प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन एलजेब्रा। B4 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं, फोर्थ पार्ट अपन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ही दिखाए थे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। फर्स्ट पार्ट a प्लस जीरो इक्वल्स टू a, b पार्ट a डॉट वन इक्वल्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू बूलियन एलजेब्रा। हेयर वन एंड जीरो आर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिटिव आइडेंटिटी। सो सो एवरी कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस डिटरमाइन ए बूलियन एलजेब्रा। ठीक है, कुछ भी काम नहीं था। और थ्योरम देखो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके पास में, लैटिस दे रखा था, लैटिस हमें कंस्ट्रक्ट करवाना था, क्या डिटरमाइन करवाना था बूलियन एलजेब्रा। अब बूलियन एलजेब्रा की चारों प्रॉपर्टी अपन जानते ही हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए लिख लिए जिसमें दो प्रॉपर्टी तो पहले से प्रूफ कर चुके थे, बाकी दो प्रॉपर्टी में रिप्लेस कर दिए, बस आ गया। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है, अब वो डेफिनेशन देख लेते हैं, देन चलेंगे डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की तरफ अपन। फर्स्ट है हमारे पास में बूलियन वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं।
नोटेशन एक्स, नोटेशन एक्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट नोटेशन एक्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी आर्बिट्री एलिमेंट्स एनी आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ बूलियन एलजेब्रा बी इज कॉल्ड बूलियन वेरिएबल लिखते लिखते समझ गए होंगे क्या कहना चाह रही है। नोटेशन एक्स यूज टू रिप्रेजेंट एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ बूलियन एलजेब्रा, यानी बूलियन एलजेब्रा के अंदर जो अपन आर्बिट्री एलिमेंट जो अपन काम में लेते थे, पहले एलिमेंट्स बोल दो कि ए बी सी इन सबको अपन दिखाते थे ना कि बूलियन एलजेब्रा में है, ये ए बी सी इन सबको दिखाते थे ना बूलियन एलजेब्रा में, उनको क्या करेंगे ए बी सी के बजाय अब नोटेशन जो अपन काम में लेंगे वो काम में लेंगे एक्स फॉर्मेट में। अब एक्स में हो सकता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो, एक्स वाई जेड हो, तो अब एक्स फॉर्मेट में चलेगा उसके एलिमेंट्स, तो उसके जो नोटेशन काम में लेंगे वो काम में लेंगे एक्स फॉर्म में, काम में वही रहेगा जो पहले अपन ए बी सी काम में लेते थे, वो काम में लेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री या एक्स या एक्स वाई जेड, इन तरीके से अपन काम में लेंगे। ठीक है, लिटरल, लिटरल का काम क्या है कि जो भी अपन नोटेशन काम में ले रहे हैं बूलियन वेरिएबल के लिए, जो भी नोटेशन काम में ले रहे हैं, मान लो सपोज करो एक्स नोटेशन अपन काम में ले रहे हैं बूलियन वेरिएबल के लिए, तो वो नोटेशन एक्स और उस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों मिल करके बनता है लिटरल। जो भी नोटेशन अपन काम में ले रहे हैं एक्स वाई जेड जो भी काम में ले रहे हैं अपन, वो नोटेशन और उस नोटेशन का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों मिल करके क्या मिलता है, वो बनता है हमारे पास में लिटरल। क्लियर है। एनी वेरिएबल एक्स और इट्स कॉम्प्लीमेंट एक्स डैश, एनी वेरिएबल एक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स एक्स डैश ऑफ बूलियन एलजेब्रा बी ऑफ बूलियन एलजेब्रा बी इज कॉल्ड लिटरल। समझ गए। तो एक डेफिनेशन हमने किसकी देख लिए, बूलियन वेरिएबल की, फिर अपने एक डेफिनेशन देख लिए वो देख लिए लिटरल की, बूलियन बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, तीनों एक दूसरे रिलेटेड, ध्यान रखना फोर्थ करेंगे वो इन सब से रिलेटेड ही है,
तो टोटल जो 5 या 6 डेफिनेशन है, डेफिनेशन काम में नहीं आती है, आगे तो अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन काम में आएगी, लेकिन क्वेश्चन जो होगा इनसे समझा हुआ रहता है तो काफ़ी आसान पड़ जाता है क्वेश्चन अपने पास में। फर्स्ट अपन देखें सबसे पहले बोलियन वेरिएबल, बोला बोलियन वेरिएबल का यही काम है जो अपन पहले ABC काम में लेते थे, अब काम में लेंगे X फॉर्मेट में। फिर बोला लिटरल, बोला लिटरल क्या है, बोला लिटरल जो भी बोलियन वेरिएबल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, वो लिटरल है खुद भी, वह सेल्फ एलिमेंट खुद भी रहेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब बोलियन एक्सप्रेशन, तो बोलियन एक्सप्रेशन क्या कहता है कि बोलियन वेरिएबल भी हो और बोलियन वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट भी हो, ये दोनों आएंगे वही कहलाता है उसमें बोलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके दो प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो लेट बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 01 इज ए बूलियन एलजेब्रा देन बूलियन एक्सप्रेशन देन बूलियन एक्सप्रेशन ऑन बी कैन बी डिफाइंड एज फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इसके लिए दो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एनी वेरिएबल, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, एनी वेरिएबल ऑफ बी इज बूलियन, एनी वेरिएबल ऑफ बी इज बूलियन एक्सप्रेशन ऑन बी, एक्सप्रेशन ऑफ बी। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, ऑन बी सेकेंड है एक्सप्रेशन आफ्टर, लिख लो एक बार फिर बता देता हूं, एक्सप्रेशन एप्लीकेशन गॉट आफ्टर, एक्सप्रेशन गॉट आफ्टर एप्लीकेशन, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन प्लस डॉट एंड कॉम्प्लीमेंट, प्लस डॉट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑन बूलियन वेरिएबल, ऑन बूलियन वेरिएबल वेरिएबल इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखो, फर्स्ट एनी वेरिएबल ऑफ बी इज बूलियन एक्सप्रेशन ऑन बी, बूलियन एक्सप्रेशन ऑन बी होना चाहिए एनी वेरिएबल ऑफ बी, ठीक है, यानी
वेरिएबल की डेफिनेशन, बुलियन वेरिएबल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेकंड है एक्सप्रेशन गॉट आफ्टर, एक्सप्रेशन जब अपन कर लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की जो एप्लीकेशन जो अपन अप्लाई करेंगे, प्लस डॉट एंड कॉम्प्लीमेंट बुलियन वेरिएबल पे, बुलियन वेरिएबल पे एक्सप्रेशन जो अपने पास में ऑपरेशन जो है, प्लस डॉट एंड मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेट करेंगे, देन जो अपने को एक्सप्रेशन मिलेगा वही कहलाता है आपस में क्या, बुलियन एक्सप्रेशन। देन जो अपने को एक्सप्रेशन मिलेगा वही होता है बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। देख लो इसको, यहां तक देख लो। मिनटम और एक होता है मैक्सटम, मिनटम मैक्सटम। मिनटम की डेफिनेशन देखो, लेट बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 01 इज ए बूलियन एलजेब्रा, इज ए बूलियन एलजेब्रा देन फंक्शन ऑब्टेन ऑन, देन फंक्शन ऑब्टेन ऑन बी बाई एन टपल, बी बाई एन टपल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, which is denoted by product, which is denoted by product of n different of n different of n different literal xi is called minterm, देखो क्या है ये minterm की definition, बीज बुलियन अलजेब्रा तो है ही, then function obtained on b by n tuple which is denoted by product of n different literal,
अब लिटरल की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड डिफरेंट लिटरल। अब लिटरल मतलब क्या था कि लिटरल के अंदर बोलियन वेरिएबल होना चाहिए और बोलियन वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। भाई बोलियन वेरिएबल भी चाहिए और बोलियन वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तभी बनेगा लिटरल। उसी लिटरल को डिनोट कर रखा है यहाँ पे xi से, उसी लिटरल को डिनोट कर रखा है यहाँ पे xi से। xi मतलब ये हो गया अपन n टपल में ले रहे हैं ना, इसलिए इसको भी xi ले लिया। तो जो लिटरल जो आपका उसमें रहेगा, उन सब का जो प्रोडक्ट मिलेगा n टपल का n डिफरेंट लिटरल, इस पे ध्यान देना, n टपल का n डिफरेंट लिटरल, ठीक है, प्रोडक्ट में होना चाहिए। वही आपका उसमें क्या कहलाता है, वो होता है मेन टर्म। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मेन टर्म 4x1 x2 x3 इज, अब ध्यान से देखना, x1 x2 x3 का मेन टर्म देख रहे हैं अपन। तीन अपन क्या ले लिए, बोलिए वेरिएबल्स ले लिए। जैसे मान लो हमें क्या चाहिए, मतलब लिटरल चाहिए और n टपल के लिए, तो यहाँ पे तीन टपल है। n डिफरेंट चाहिए हुई प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, इज प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो x1 x2 x3 लिख सकते हैं एक बार। तो देन क्या लिख सकते हैं, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और x3, फिर लिख सकते हैं x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3, फिर लिख सकते हैं अपन x1 x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर लिख सकते हैं x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट x3, फिर लिख सकते हैं अपन x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 का कॉम्प्लीमेंट, और क्या लिख सकते हैं, x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट x1, और एक लिख सकते हैं x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट। टोटल 8 बननी चाहिए, देखो 4 5 6 7 8। तो x1 x2 x3 के लिए जो मिन टर्म्स होती है हमारे पास में, वो टोटल 8 होती है। अब ये ध्यान रखना, चलो वो तो डिसजंक्टिव बनाएंगे तब की बात है, वो तो बस मिन टर्म का क्या देखो। अभी मिन टर्म में जितने टपल हैं, जितने वेरिएबल्स हैं, उतने वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में आने चाहिए। जितने वेरिएबल हैं उतने वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में आने चाहिए, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जो वेरिएबल है उसके साथ में उसका क्या हो, लिटरल भी हो, मतलब लिटरल के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो। लिटरल का काम कितना, इतना ही है, जो बोलियन वेरिएबल रहता है उसी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बोलियन वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3, तो इन्हीं तीनों का कॉम्प्लीमेंट होगा बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देख लो, तो टोटल जो मेन टर्म हमारे पास में है x1 x2 x3 के लिए, वो टोटल इतने टाइप से डिफाइन हमारे पास में है मेन टर्म, ठीक है। देख लो एक बार, चेक कर लो यहाँ तक। सेकेंड आ जाओ, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म की डेफिनेशन, लेट बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए बूलियन एलजेब्रा, बूलियन एलजेब्रा, देन फंक्शन ऑब्टेन ऑन बी बाय एन टपल x1 x2 x3 xn, which is denoted by
सम ऑफ एन एन डिफरेंट लिटरल लिटरल एक्साई इज कॉल्ड मैक्सटर्म। मिनटर्म और मैक्सटर्म ये काम की चीज है, क्योंकि मिनटर्म मैक्सटर्म से ही बनेगा, एक से बनेगा डिसजंक्टिव, इससे बन जाएगा डिसजंक्टिव और इससे बन जाएगा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ध्यान रखना। और मिनटर्म कैसे बन रहा है, तो मिनटर्म बन रहा है बूलियन वेरिएबल्स के लिए कि वेरिएबल्स को काम में ले रहे हैं अपन, देन लिटरल के लिए, ठीक है। और उन दोनों को अपन एक्सप्रेस किए थे तो बूलियन एक्सप्रेशन भी बना था अपने पास, ये एक्सप्रेशन ही एक तरीके से है। मैक्सटर्म का काम क्या है, ध्यान से देखना कि जो n डिफरेंट n टपल जो रहेगा ना n टपल, उसको n डिफरेंट सम करेगा लिटरल को, लिटरल मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। अपन लिख सकते हैं एग्जांपल में कि मैक्स टर्म फोर, इसीलिए निकाल लेते हैं फिर से, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फंक्शन एक तरीके से इज सम करना है एंड डिफरेंट में, तीन वेरिएबल्स है तो थ्री वेरिएबल्स तो टोटल होने ही चाहिए, यानी इसको क्या लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, फिर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्स वन का कॉम्प्लीमेंट, देन एक्स वन प्लस एक्स टू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स थ्री, इतने टाइप से अपन लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको इतने टाइप्स ही बनानी है, नहीं भाई इतने टाइप बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम इतनी टाइप्स हो सकती है, वो कहना चाह रहा है। एक्स टू कॉम्प्लीमेंट, देन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कॉम्प्लीमेंट, एक्स वन कॉम्प्लीमेंट एक्स टू कॉम्प्लीमेंट एक्स थ्री, एक्स वन कॉम्प्लीमेंट एक्स टू एक्स थ्री कॉम्प्लीमेंट, एक्स वन प्लस एक्स टू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स थ्री कॉम्प्लीमेंट, देन कितने टाइप से लिख सकते हैं, तो बोले एक्स वन कॉम्प्लीमेंट एक्स टू कॉम्प्लीमेंट और एक्स थ्री कॉम्प्लीमेंट, टोटल कितने हो गए, टोटल एट टाइप से अपन लिख सकते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को, टोटल एट टाइप से अपन लिख सकते हैं मैक्सटर्म के अंदर, ठीक है। तो ये कहानी किसके लिए है, तो ये कहानी है मैक्सटर्म की कहानी, ये कहानी है मैक्सटर्म की कहानी है ये, कि मैक्सटर्म को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारे पास मिनटर्म और एक हो गया हमारे पास में मैक्सटर्म। मिनटर्म से ही बनेगा डीएनएफ फॉर्म और मैक्सटर्म वाली प्रॉपर्टी से बनेगी हमारे पास में सीएनएफ फॉर्म, जिसका नाम देंगे अपन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और एक का नाम देंगे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। अब डीएनएफ और सीएनएफ अपन बनाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना जो मिनटर्म बनाए हो x1 x2 x3 के लिए वही पार्ट बनाओगे मैक्सटर्म के लिए x1 x2 x3 के लिए, ठीक है। आ जाओ आगे देखो, तो ये तो आ गया इस तरफ, तो ये हो गया हमारे पास में मैक्सटर्म किस किस के लिए, x1 के लिए x2 के लिए एंड x3 के लिए। बोल अगर टू वेरिएबल्स के लिए देखें तो इसी का सेकंड एग्जांपल मान लेता हूं मैं कि मैक्सटर्म
फोर एक्स वन एक्स टू इज, बोले एक्स वन एक्स टू का मैक्सिमम क्या होगा, तो बोले एक्स वन प्लस एक्स टू एंड एक्स वन कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू का कॉम्प्लीमेंट और एक्स वन कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स टू का कॉम्प्लीमेंट। तो मैक्सटर्म जो है टू वेरिएबल्स के लिए फोर, बोला मिनटर्म कितनी बनती है आपके पास में, यही टू वेरिएबल्स की बात करें अपन, बोला टू वेरिएबल्स के लिए ये भी मिनटर्म भी आपके पास में क्या बनेगी, फोर ही बनेगी। तो ये हमारे पास में है मिनटर्म और मैक्सटर्म। ध्यान से देखना, मिनटर्म का काम है मल्टीप्लिकेशन देना, मैक्सटर्म का काम है एडिशन देना। मिनटर्म का काम है मल्टीप्लिकेशन और इसका काम है एडिशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन पे। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन आ जो। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में है वो है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं, DNF। और यही अपने चैप्टर में है, ध्यान रखना, DNF, ठीक है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ए बूलियन फंक्शन f bn to b is called disjunctive, is called disjunctive normal form, disjunctive normal form, disjunctive normal form if f x1 x2 x3 xn equals to m1 plus m2 plus m3 plus mk। अब बात करेंगे ये m1, m2, m3, mk ये क्या आ गए, तो बोले ये आ गए हमारे पास में मिनटर्म, ये हमारे पास में आ गए मिनटर्म। तो नीचे कंडीशन लिख देते हैं कि हेयर m1, m2, m3 इज मिनटर्म, तो हेयर m1 M2, MK are minterm, तो अपन जब डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म करेंगे अपन, देन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा अपने को कि M1, M2, M3, और M1, M2, M3 का काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो डिसजंक्टिव में क्या है, मिनटर्म काम में लेना है अपने को, लिख देता हूं आगे मिनटर्म, इट मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, मिनटर्म मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है।
और जब कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म करेंगे तब अपन काम में लेंगे, वो काम में लेंगे एडिशन, ठीक है, अपन सबको ऐड करेंगे, क्लियर है। अब आ जाओ सेकेंड डेफिनेशन पे, ये है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म जिसको अपन बोलते हैं CNF फॉर्म, इसका नाम है CNF, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डेफिनेशन देखो इसके लिए, ए बूलियन फंक्शन एफ बी एन टू बी इज कॉल्ड कंजक्टिव, इज कॉल्ड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म इफ, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म इफ एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन इक्वल्स टू एम वन डॉट एम टू डॉट एम थ्री और डॉट एम के, हेयर एम वन एम टू एम थ्री एम के आर मैक्सटम, ठीक है। एक आगे मिनटम की डेफिनेशन और एक होगी हमारे पास में मैक्सटम की डेफिनेशन। ये सारे डेफिनेशन है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपन, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड है। आ जाओ क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
क्वेश्चन, इफ बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 01 इज ए बुलियन एलजेब्रा इज ए बुलियन एलजेब्रा देन बी इज ए बुलियन एलजेब्रा देन फाइंड द फाइंड द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही मिलेंगे। x1, x2, x3 इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या है, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट x3 ठीक है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आता है या तो डिसजंक्टिव का क्वेश्चन आएगा या फिर कंजक्टिव का क्वेश्चन आएगा, एक नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है, क्योंकि जो बुलियन एलजेब्रा है इससे पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो एक क्वेश्चन तो 9.1 जो है चैप्टर के अंदर अब तक, यानी जितने भी थ्योरम्स जितने भी क्वेश्चन जो भी कर रखे हो, और एक क्वेश्चन जो है इन दोनों फॉर्मेट से, या तो DNF वाले फॉर्मेट से या फिर CNF वाले फॉर्मेट से। ठीक है, आ जाओ देखो क्या कहते हैं हमारे पास में। बोले इसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। बोला डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए अपने को चेंज करना पड़ेगा मिनटम में, वो भी प्रोडक्ट पे। इन अपना टारगेट ये है, इसको सॉल्व करते करते कितने वेरिएबल है, टोटल 3 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल्स वो भी आए किस में, प्रोडक्ट में आए, और फिर उस पर आए एडिशन, फिर 3 वेरिएबल्स आए प्रोडक्ट में, और फिर उस पर आए एडिशन, फिर से 3 वेरिएबल्स आए प्रोडक्ट में, अब फिर से है उस पर एडिशन, यानी हमें इस टाइप में चेंज करना है। कोई इसका रिजल्ट नहीं है, आप लोग खुद करोगे, जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे ना वो सारी प्रॉपर्टी बस सही लगाना है आपको। अब ये जरूरी नहीं है, पहले क्या था हमारे पास में, RHS नहीं था दिया हुआ, गिवन हमारे पास में, जब RHS गिवन नहीं था हमारे पास में, देन अपन क्या करते थे कि X1, X2, X3 अपन इन्हीं तीनों के लिए बनाते थे कि मैक्सिमम कितनी बन रही थी, तो मैक्सिमम अपने पास में बन रही थी, वो बन रही थी टोटल 8। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इक्वल टू के बाद में हमें तो इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करते 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 लास्ट में टारगेट क्या ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन, वो भी 3 वेरिएबल्स का। अब बोलो सपोज करो कि कहीं पे मान लो 2 ही वेरिएबल्स आ जाए, मान लो कहीं पे आ जाए X2 और X1 आ गया मल्टीप्लाई में, और फिर प्लस में आ गया मान लो एडिशन में X1 X2 कॉम्प्लीमेंट और X3। बोलो ये बन गया कि इसके लिए, बोलो नहीं बनाइए, मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, फिर बीच में एडिशन भी ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन ठीक है, फिर ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन में आपके पास में टोटल 3 एलिमेंट्स थे, टोटल 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल्स टोटल होनी चाहिए। अब 3 वेरिएबल्स जब नहीं रहेगा तो अपन क्या करेंगे, .1 कर सकते हैं अपन, जहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ जाए चाहे 1 वेरिएबल्स आ जाए, उसको अपन 3 में चेंज कर लें, अपन क्या करेंगे .1 कर देंगे। बोले अब कहाँ से हो गया वेरिएबल, बोले अभी भी नहीं हुआ, लेकिन 1 की जगह अपन लिख सकते हैं ना कुछ ना कुछ, कैसे, जैसे 1 है मान लो, सपोज करो 1 और 2 तो है, 3 नहीं है इसके अंदर, अपन 1 की जगह लिख सकते हैं क्या, X3 प्लस X3 कॉम्प्लीमेंट 1 ही तो होता है, किस लो से, तो जो भी लिखोगे उसका रीजन जरूर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि हाँ ऐसा हो तो रहा है लेकिन इसलिए ऐसा हो रहा है, रीजन जरूर है। ठीक है, ये कौन सा लो है, कॉम्प्लीमेंशन लो, फिर देखो X2 X3 रहेगा यहाँ पे, X2 X1 एज इट इज, अब इसमें A
डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी जैसे करोगे ना यहाँ पे तो एक्स टू इसके साथ भी और यहाँ पे भी एक्स थ्री कॉम्प्लीमेंट एक्स टू देन एक्स वन। अब ये थ्री थ्री वेरिएबल्स आ गए दोनों में, तो बस फॉर्मेट ध्यान रखना है कि हमें जब इसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद में थ्री वेरिएबल्स आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, थ्री वेरिएबल्स आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन लगना चाहिए, फिर थ्री वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में देन अगेन एडिशन, ठीक है। तो बस ये टारगेट ध्यान रखो, डिसजंक्टिव कर रहे हो तो ये फॉर्म लगा लो। अब बात करेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट वगैरह की कि कॉम्प्लीमेंट वगैरह को अपन ओपन कैसे करें। कॉम्प्लीमेंट वगैरह को ओपन करने का सिर्फ एक ही रूल है और वो रूल है डी मॉर्गन्स लॉ, एक ही रूल है जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ बोले बाहर कॉम्प्लीमेंट लग रहा है बाहर वाले को ऑपरेट कर देते हैं, बोले बाहर वाले से ज़्यादा अच्छा है कि अगर कहीं पर अंदर अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट लग रहा है ना तो अंदर वाले पार्ट को जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो, देन अप्लाई कर दो बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट, देन अप्लाई कर दो बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट। आपकी मर्जी है, आप बोलो नहीं पहले हमें बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट ओपन करना, कर दो बाहर वाला। ये ए प्लस पूरे को बी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है। समझ गए फॉर्मेट, अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। आई हैव अ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है और यही पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो इधर सॉल्यूशन f x1 x2 x3 equals to x1 complement plus x2 complement plus x2 plus x3 complement का complement whole complement फिर addition x2 dot x3, ये given था हमारे पास में। अंदर वाले प्रॉपर्टी को सबसे पहले ओपन कर रहा हूँ मैं, तो ये पार्ट तो एजिटिज है ही, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस इस पूरे को b मान रहे हैं, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट कैसे ओपन होता है, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगेन बाहर जो कॉम्प्लीमेंट है वो रहेगा बाहर वाला एज इट इज, और ये भी x2 और x3 ये भी एज इट इज, देख लो एक बार, ठीक है। रीजन क्या लगा देंगे यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लो, तो यहाँ पे रीजन आ जाएगा डी मॉर्गन्स लो, जो भी करते हो उसका रीजन जरूर लिखो ब्रैकेट में, हाँ इस कारण ऐसा हो रहा है डी मॉर्गन्स लो, ठीक है। यहां से डेजिटीज रहेगा ही रहेगा, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x3, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि x3 का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, फिर से वही मिल जाता है, और प्लस एजिटीज आपके पास में x2 डॉट x3, रीजन क्या आ जाएगा कि x3 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू भी रहता है x3, x3 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से रहता है x3, वही चीज है देखो यहां पे, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, बोलो बाहर कॉम्प्लीमेंट में इसको भी कर देते हैं ऊपर, बोले इससे पहले तो अंदर वाले पार्ट को और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं ना, x1 कॉम्प्लीमेंट को तो बोला रहने दो एज इट इज, x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x3, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस x3, क्यों इसको ऑपरेट करेंगे तो a डॉट b प्लस c, तो a डॉट b प्लस a डॉट c, और बाहर जो अपने पास में कॉम्प्लीमेंट है ये रहेगा एज इट इज और प्लस x2 डॉट x3, ऐसा क्यों लिख दिया अपन, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
ठीक है। ये पार्ट तो देखो एच डी जो है, ये एक्स वन कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से एक्स टू कॉम्प्लीमेंट और ये वन प्लस एक्स थ्री वन, हटा देता हूँ इसको डायरेक्टली, यहाँ से हॉल कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से रहेगा एक्स टू डॉट एक्स थ्री। ये किस रूल के कारण हुआ है वन प्लस एक्स थ्री, तो अपने एक रीजन देखे थे बाउंडेडनेस थ्योरम, उसी के कारण ऐसा हुआ है। तो इसका रीजन आ जाएगा बाउंडेडनेस लॉ। अच्छा अपन ये मेहनत की है ना, देखो इधर ध्यान से, अपन ध्यान ही नहीं दिया, अपना दो स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्स वन कॉम्प्लीमेंट देखो एज इट इज है, एक्स टू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स टू कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स थ्री, एक ही चीज़ देखो दो बार आ रहा है ना। ए इसको अगर मैं ए लेट कर लूँ तो ए प्लस ए डॉट बी, यही बनता है एब्जर्सन लॉ से। ए प्लस ए डॉट बी क्या होता है, यही होता है। तो अपन डायरेक्ट इसको लिख सकते थे क्या एक्स टू कॉम्प्लीमेंट, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को एक स्टेप। अब बाहर वाले पार्ट को अप्लाई कर देते हैं, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट एक्स वन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स टू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और प्लस यहाँ से रहेगा एक्स टू डॉट एक्स थ्री, रीजन क्या आ जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ। इसका रीजन आएगा डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं फिर से एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस एक्स टू डॉट एक्स थ्री, क्यों वैसा, तो टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है तो एक्स वन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी बन गया एक्स वन और एक्स टू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी बन गया एक्स टू। बोला अब चलो जो हमें लेकर के आना था, बोला रीजन हमारे पास में क्या था कि मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, बोला ठीक तो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन इतनी टर्म्स है इसके अंदर, लेकिन बोला कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास में टोटल वेरिएबल्स थ्री चाहिए थी जबकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स है, एक एक की कमी है, डॉट ऑन बोले इसके साथ भी डॉट ऑन इसके साथ भी, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट वन प्लस एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट वन, आइडेंटिटी एलिमेंट है भाई मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख सकते हैं। रीजन क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, देख लो इसको यहां तक देख लो एक बार आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट वन की जगह लिखना चाह रहे हैं, वन टू तो है थ्री नहीं है, इसको लिख देते हैं अपन एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां से एक्स टू एज इट इज एक्स थ्री एज इट इज, एक्स वन नहीं है इसके अंदर तो इसके अंदर एक्स वन प्लस एक्स वन कॉम्प्लीमेंट। बोलो रीजन तो लिखो, बोलो पता है कि कॉम्प्लीमेंशन लॉ से ये वन होता है ए प्लस ए डैश इक्वल टू वन, तो इसका रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लॉ, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। ठीक है और ऑपरेट कर देते हैं नीचे की जगह मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे ओपन हुआ तो कैसे बनेगा ए डॉट बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए डॉट बी यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ए डॉट बी प्लस फिर से ए डॉट सी एक्स वन एक्स टू डॉट एक्स वन एक्स टू डॉट एक्स थ्री कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस यहां से देखो फिर से वही ए डॉट बी यानी एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन
प्लस एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन कॉम्प्लीमेंट रीजन क्या जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण इस तरीके से बन रहा है ये फॉर्मेट ठीक है देख लो आराम से देख लो हो गया काम तो थ्री वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर ये देख लिया करो लास्ट में कि एक आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़े थे अपन कि उसमें ए प्लस ए जो होता है वो ए करता है आइडेम्पोटेंट लॉ में ठीक है बोलो इसी टाइप से कुछ बन रहेगा आपके पास में जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ध्यान से देखना यहाँ से तो देखो क्या है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और भी कहीं पे है क्या बोले हाँ एक जगह और है तो इन दोनों को मिला करके बोले एक बार फिर से लिख सकते हैं क्या मैं देखो कैंसिल कर रहा हूँ आपको कैंसिल नहीं करना है इस दोनों को मिला करके तो लिख सकते हैं कि अपन जानते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ में यही होता है कि ए प्लस ए इक्वल्स टू ए तो ए प्लस ए इक्वल्स टू ए देन फिर से क्या है यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस एक्स वन कॉम्प्लीमेंट एक्स टू एंड एक्स थ्री ये रीजन क्यों आ जाएगा इसका रीजन आ जाएगा आई डेम्पोटेंट लॉ में ऐसा हो रहा है तो लास्ट का जो टारगेट हमारे पास में अचीव हुआ है वो क्या है मिनटम वाली फॉर्मेट में बोला हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट में है थ्री वेरिएबल्स फिर एडिशन फिर थ्री वेरिएबल्स फिर एडिशन फिर थ्री वेरिएबल्स तो मिनटम की फॉर्म देखो यही थी हमारे पास में तो इसलिए डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको मिनटर्म पता होनी चाहिए मिनटर्म के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए लिटरल पता होनी चाहिए और लिटरल के लिए क्या पता होनी चाहिए बोलियन वेरिएबल पता होनी चाहिए इसलिए एक दूसरे के सारे सारे कनेक्टेड है देख लो इसको देख लो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इफ बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट जीरो वन इज ए बूलियन एलजेब्रा देन फाइंड Then find disjunctive normal form. Then find disjunctive normal form. ठीक है